सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं शंभु कुमार द फ्रंट में आपका स्वागत करता हूं। प्रियंका रेड्डी एनकाउंटर मामले में दिल्ली एनसीआर की जनता की क्या राय है, आइए हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ठीक है, क्योंकि डिसीज़न ऑन द स्पॉट होना ही पड़ेगा अगर थोड़ा अपराधियों के मन में अगर डर पैदा करना है। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा, जब तक ये क्राइम रुकने वाला नहीं, इवन चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल की बेटी हो, चाहे 30 साल की कोई महिला हो, चाहे 60 साल की, कोई भी सेफ नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ऐसा क्या हुआ कि रोज डे बाय डे 2-3 रेप के केस। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, कुछ लोग इसके विरोध कर रहे हैं। मेरे को एक चीज आप ये बताइए कि अगर पुलिस अगर कानून से हटके कोई सही काम करती है तो मानव अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर पुलिस को अगर कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए अगर कोई लीक से हटके कुछ काम करना पड़ता है तो वो ठीक है। आप एक अगर मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर वो गलत ट्रैक पे हैं और मैं अगर उसकी पिटाई करता हूँ ठीक रास्ते पे लाने के लिए, तो वो क्राइम नहीं है कि नहीं तो छोटे बच्चों को पीटना भी जुर्म है। बट जैसे किसी को ठीक रास्ते पे लाने के लिए हम लोग एक प्रयास करते हैं, शायद मैं मानता हूँ ये जो है हैदराबाद पुलिस ने किया शायद एक अच्छा स्टेप है, और दूसरे जो स्टेट्स की वो हैं पुलिस, उनको भी सीख लेनी चाहिए कि अगर आप गलत कानून का उल्लंघन आप करोगे, चाहे इवन चाहे रेप हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो शायद हम भी ऐसा स्टेप ले सकते हैं। इवन इस पर कोई भी राजनीति ना हो, कोई भी कुछ ना हो। आपका क्या कहना है? सो ये जो भी है ठीक हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आप देखते हैं कितने ना जाने ऐसे कितने पेंडिंग केसेस हैं जहाँ पे केसेस चल रहे हैं, और जुडिशल सिस्टम जो हमारे कंट्री का है वो इतना ज़्यादा करप्ट कह लो, या मतलब इतना ज़्यादा लेट लतीफ कह लो उस चीज़ को, कि न्याय बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इवन आपके पास भी होगा, आप सबके घर में माँ बेटियाँ हैं और सबके छोटे बच्चे से लेके एक बड़ी बुजुर्ग महिला तक कोई सेफ नहीं है। अब ऐसी कंट्रीज़ में अगर फैसला ऑन द स्पॉट पुलिस करती है तो दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन इन माई ओपिनियन। मैम, पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही हुआ है। जो भी ऐसा केस करता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। पुलिस ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। मैं सहमत देती हूँ, क्योंकि ये केसेस ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। एकदम उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और जितना डिले केसेस होते हैं फिर ये बढ़ावा होता है उन लोगों के लिए। कि आपके कहने का मतलब है कि निर्भया कांड 2012 की घटना है और आज 7-8 साल हो गए। हाँ, अभी वही बंदे जो लोग अभी पुलिस में थे, कैद में थे, अब वो छूट के अगर जो 18 साल से कम का लड़का था वो भी है, उसको अभी तक फांसी नहीं हुई है, तो ये सब कुछ उसी टाइम सॉल्यूशन मिल गया, बहुत अच्छा है। देखो सर, हुआ तो बिल्कुल सही है, अब उल्लंघन बोल लो या जो भी बोल लो, आपको पता है कितना टाइम लगता केस चलता, 10-15 साल निकल जाते। निर्भया वाला केस अभी तक चल रहा है जिसपे अभी तक कोई भी आउटपुट निकल के नहीं आया। ठीक है, पुलिस ने जो किया बढ़िया किया, हमारे अकॉर्डिंग तो सही है। सर आपका क्या? सही किया उन्होंने, मतलब कि मतलब एक डर बैठ जाएगा आप थोड़ा सा, जो भी इतने केसेस अभी दिल्ली में कितने केसेस होते हैं तो थोड़ा तो डर आएगा। देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप टाइम से केसेस निपटा दो, या फिर अगर केस 10 साल चलेगा तो बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि भाई ऑन द स्पॉट कर दिया जो, वो बहुत बढ़िया किया। या फिर आप गवर्नमेंट को बोलो कि गवर्नमेंट एक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट रखे जिसमें साल भर के अंदर रिजल्ट आए और सजा हो जाए, लेकिन वो हमारे यहाँ होता नहीं है। ठीक है, टाइम लग रहा है केसेस सॉल्व होने में, टाइम लग रहा है तो ठीक है। थैंक यू। हमारी राय से तो ये 100% सही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमारी कानून व्यवस्था है, आपने पिछली बार देखा कि उन्नाव में जो कांड हुआ था उसमें जो प्रीता थी वो उसको जो रेप करके गया था, वो जेल से फिर वापस आने के बाद उस प्रीता को जला दिया है। तो इस तरह की कानून व्यवस्था हमारे यहाँ रहेगी तो किस तरह से इंसाफ मिलेगा। इसीलिए जो पुलिस जो कदम उठाई है वो हमारे हिसाब से बहुत सही है, और इसी तरह का हिसाब होना चाहिए इस दरिंदों के लिए। तो मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो हुआ है वो एक्चुअली में बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उसे फांसी होना चाहिए। अभी निर्भया वाले आने हैं, उनका फांसी होना है, मैं बहुत खुश हूँ।
लेकिन एक यदि नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचूं, तो जो पुलिस की है वो फिर ठीक है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर जब भी डिले होगा तो सेम यही कंडीशन होना है। मेरे ख्याल से जो जो हो गया वो सही था, क्योंकि जो हमारी जस्टिस है, जो हमारे कोर्ट है, वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है लोगों को। सो मेरे कहने का मतलब है जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे ही हार स्टेप अगर लेंगे तो शायद आइंदा कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ आवर सिस्टम, इट इज़ बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम, ऑफ आवर कोर्ट सिस्टम, इट इज़ द फेलियर। अगर कोर्ट से इंसाफ मिल जाता, कहीं कहीं 15-15, 25-25, 20-20 साल से लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू हैव एन आई ऑन दीज कल्प्रिट्स। मेरे जो सोचने का मतलब है, यहाँ अगर आपने वो पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, यहाँ कोई गब्बर फिर होना चाहिए जो वो इस करप्शन सिस्टम को, इस सिस्टम को ठीक करेगा, या गंगा जल आना चाहिए, गंगा जल जैसे पिक्चर है। तो दिस इज़ द राइट डिसीजन टू बी टेकन बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट।